हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको उत्कट कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्कट कोणासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं। पैरों के दरमियान 1.5 से 2 फीट का फासला हो। अब श्वास लेते हुए नमस्कार की मुद्रा और श्वास छोड़ते हुए उत्कटासन लगाइए। 4 से 5 सेकंड इस अवस्था में रुकिए, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इसे 2 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। उत्कट कोणासन के प्रतिदिन के अभ्यास से कब्ज की शिकायत दूर होती है। मलाशय, मूत्र संस्थान, गर्भाशय, जनन संस्थान स्वस्थ व उनकी कार्य प्रणाली अच्छी बनती है। एड़ी, पिंडलियाँ, घुटने, जांघें, नितंब, कमर, हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। पेट के सभी विकार दूर होते हैं तथा भूख खुलकर लगती है। आते विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। रक्त संचार पूरे शरीर में अच्छा होता है। शारीरिक स्थायित्व व संतुलन में वृद्धि होती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स का अच्छा व्यायाम हो जाता है। पैरों की थकान दूर होती है। शरीर में नई ताजगी व स्फूर्ति का संचार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। रक्तचाप संतुलित होता है। नितंब, जांग की चर्बी कम होती है जिससे शरीर सुडौल दिखता है। मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। स्वभाव स्थिर व प्रसन्न होता है। मेटाबॉलिज्म पर विशेष असर होता है। क्योंकि इस आसन में शरीर एक विशेष कोण लेता है और इस कोण के साथ उत्कटासन लगाया जाता है, इसलिए इसे उत्कट कोणासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, नितंब के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की अवस्था अथवा कोई शारीरिक कमजोरी की स्थिति में भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो व चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। मेरुदंड के रोगी भी इस आसन को धीमी गति या सावधानी पूर्वक करें। तो यह था उत्कट कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।